हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और अमेजिंग वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला और किसी भी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जहां पे हमें एक टेक्स्ट गिवन होता है और उसमें से हमें नेम्स और नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नेम्स स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें सारे नेम्स जो है वो लेफ्ट में दिए हुए हैं, तो हम इसके लेफ्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ करेक्टर्स, अगर मैं ये पता कर लूँ फ्रेंड्स कि इसमें जो लास्ट अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट करना होगा वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? हम इसके लिए यूज कर सकते हैं फाइंड, क्योंकि वो हमें प्लेस वैल्यू के बारे में बताता है। हम जिस भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं किसी एक सेल में से, तो वो हमें उसकी प्लेस वैल्यू बता देता है। अब इसके बाद हमारे पास दो अप्रोच हैं, या तो हम अल्फाबेट फाइंड कर लें या हम नंबर फाइंड कर लें। अब अल्फाबेट 26 है तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस होगा। इस तरह से कि हम नंबर फाइंड कर लें, क्योंकि सिर्फ 9 नंबर्स ही हैं 0 to 9। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें आएगा 0 to 9 तक के सारे नंबर। इसके बाद जो हमें करना है विद इन टेक्स्ट, वो हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है एंड देन इसके साथ हमें एंड लगा के 0 to 9 तक के सारे नंबर्स लिखने हैं। इसका मेन मतलब ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें जो टेक्स्ट गिवन है उसमें सारे के सारे नंबर्स नहीं हैं, और फाइंड फंक्शन में हमने 0 to 9 सारे नंबर्स पास किए हैं। तो अगर उसे वो नंबर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर वो एरर शो कर देगा। इसकी वजह से हमने टेक्स्ट के साथ इस 0 to 9 तक के नंबर को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अब इसमें से जो हमें नंबर चाहिए वो सबसे फर्स्ट वाला नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम फाइंड के साथ पास करेंगे मिनिमम। मिनिमम क्या करेगा, जो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो सबसे फर्स्ट नंबर है उसकी पोजीशन हमको रिटर्न कर देगा, जिसके बाद हम लोग उसमें से नंबर रिटर्न कर सकते हैं। फाइंड के बाद हमें -1 लगाना है क्योंकि हमें h तक की वैल्यू चाहिए, बट फाइंड हमें 5 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे -1 लगाएंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हमें एंटर प्रेस करना है, जिसके बाद हमें हमारा नेम मिल जाएगा। बाकी सारे नाम क्विक फिल के थ्रू से एंटर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नेम्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। नंबर्स फंक्शन बिल्कुल सेम है, बट हमें लेफ्ट की जगह बस राइट पास करना है, और जैसे ही हम राइट पास करेंगे हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स, क्योंकि हमने राइट पास किया तो यहाँ पे हम लेंथ से शुरू करेंगे। हमें लेंथ में से वो वाला करेक्टर माइनस करना पड़ेगा जहाँ तक कि हमें प्लेस वैल्यू चाहिए। लेंथ में से हमें फिर टेक्स्ट सेम है एंड देन यहाँ से हमें माइनस करना है। इसके बाद तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मिनिमम ऑफ फाइंड फाइंड टेक्स्ट में हमें फिर से नंबर्स की स्ट्रिंग पास करनी है 0 to 9 तक की। एंड देन विद इन टेक्स्ट में सेम एंड उसके बाद हमें एंड लगा के 0 to 9 तक के सारे नंबर लिखने हैं, ताकि जो फाइंड फंक्शन है वो एरर शो ना करे। जिसके बाद हमें फाइंड के बाद एक माइनस का साइन भी लगाना है -1, क्योंकि ये हमें 5 तक की वैल्यू रिटर्न करेगा और हमें 5 तक की वैल्यू ही चाहिए। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।